हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा जॉली LB2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, वो भी पहले दिनों का। जी हाँ, फर्स्ट डे का कलेक्शन आ चुका है जॉली LB2 का और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा कलेक्शन था। सबसे पहले मैं कहूंगा आपको मेरे प्रेडिक्शन के बारे में। जो मैंने प्रेडिक्शन कहा था सबसे पहले, वो कहा था 12 से 14 करोड़। राइट, उसके बाद मैंने मेरा प्रेडिक्शन चेंज किया क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं इसके ऊपर केस चल रहा था फिल्म के ऊपर, फिल्म रिलीज़ होगी नहीं होगी, बहुत सारे इश्यूज थे। उसके बाद फिल्म की जो बुकिंग हुई थी वो भी काफ़ी कम हुई थी, बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, और इससे वजह से मुझे लग रहा था कि शायद इसका कलेक्शन कम होगा। और आप लोगों से भी मैंने राय पूछी थी, आप लोगों ने भी ज़्यादा कहा था 10 से 12 करोड़, तो मैंने भी मेरी राय लगभग लगभग 10 से 12 करोड़ रख दी थी फर्स्ट फ्राइडे कलेक्शन के हिसाब से। लेकिन अब वापस से कलेक्शन जो मैंने पहले कहा था 12 से 14 करोड़, उसके बीच में आया। जी हाँ, पहले दिन का कलेक्शन जो आया है 13.20 करोड़ आया है, 13 करोड़ इस फिल्म ने कमा ली है पहले फ्राइडे को। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे सैटरडे का कलेक्शन उससे भी बढ़िया होगा। आप पकड़ के चलिए सैटरडे का कलेक्शन लगभग लगभग 15 करोड़, 14 से 15 करोड़, और संडे का कलेक्शन आप पकड़ के चलिए लगभग 16 से 17 करोड़। यानी कि फिल्म महज 3 दिनों में 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने में कामयाब हो जाएगी, जिससे एक बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ, जिससे ये फिल्म इस साल की तीसरी फिल्म बन जाएगी जो 100 करोड़ के क्लब में पहुंचने में कामयाब होगी। मैंने आपको 2 से 3 महीने पहले भी कहा था कि ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में पक्का जाएगी, और अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा मैटर करे इस फिल्म को लेकर। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है इस फिल्म के रिव्यूज़ के बारे में, जहाँ तक बात की जाए बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, 3, 3.5, 4 स्टार तक इस फिल्म को दिए गए हैं, माफ़ कीजिए। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया ये फिल्म है, और आपने अगर ये फिल्म नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए। और जिस तरह से बाकी चीज़ें मतलब ऑडियंस पसंद कर रही है, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि फिल्म आने वाले दिनों में बहुत चलेगी और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से इसकी बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस फिल्म को। अभी तक जिन्होंने भी फिल्म देखी है हमेशा अच्छा ही कहा है इस फिल्म के बारे में अभी तक, तो उससे ये लग रहा है कि फिल्म बहुत आगे जाने वाली है, एक लंबी इसका घोड़ा बनने वाली है। और फिल्म का जो 100 करोड़ वाला जो मैंने कहा था कि ये 100 करोड़ पक्का कमाएगी, तो आपको बता दूँ करीबन करीबन 8 से 9 दिनों के अंदर ये 100 करोड़ भी कमा लेगी, अगर मेरी बात मेरे हिसाब से अगर फिल्म चली, मेरी अगर थॉट सच्चे रहे तो। लेट्स सी, देखते किस तरह कलेक्शन आता है इस फिल्म का आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है जो जॉली LB2 के कलेक्शन को लेकर, जिसमें हुमा कुरैशी, अक्षय कुमार, कुमुद मिश्रा, अनु कपूर, सौरभ शुक्ला जैसे दिग्गज कलाकार हैं इस फिल्म के बारे में, आपको क्या लगता है कलेक्शन कितना कुछ आप जरूर बता सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।